इसकी दलील में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से देता हूं। जज्बाती मोहब्बत का इस्लाम सीधे इनकार नहीं करता, उसको राइट डायरेक्शन देता है। सही बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह फरमाते हैं हदीस के अंदर, जब आपने हदीस फरमाई तो फरमाते और कहते मुझे आज भी मुगीस का चेहरा याद है कि वो बरीरा की मोहब्बत में मदीने की गलियों में घूम रहा था और उसकी आंखों से आंसू जारी थे और उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर थी। वाकया क्या है? वाकया ये था कि मुगीस रजी अल्लाह ये गुलाम थे और बरीरा रजी अल्लाह अन्हा ये भी गुलाम थी। गुलामी में दोनों का दोनों साथ रहते थे, गुलाम साथ रहते थे, उनका गुलामी के अंदर वो साथ रहते थे, याद रखिए गुलामी में उनका निकाह हुआ था। लेकिन जब गुलाम आजाद होता है तो उस गुलाम को इख्तियार होता है कि फिर उसको उस निकाह को बाकी रखे या तोड़ दे। गुलाम जब आजाद होता है उसको इख्तियार होता है निकाह बाकी रखे या तोड़ दे। तो जब बरीरा को आजाद कर दिया गया और मुगीस को उसके मालिक ने आजाद नहीं किया तो मुगीस रजी अल्लाह अब घबरा गए कि बरीरा कहीं मुझे छोड़कर ना चले जाए। और हुआ यूं ही, बरीरा ने कहा कि मुगीस मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली हूं। जब मुगीस को यह बात पता चली कि बरीरा को किसी ने आजाद कर दिया और बरीरा मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, तो मुगीस जो है निकले। और जब वो निकले मदीना में तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने उन्हें देखा और कहा मुझे मुगीस का चेहरा आज भी याद आता है कि मुगीस किस तरह से मदीने की गलियों में आंसू बहाते जा रहा था और दाढ़ी उनकी आंसुओं में तर थी और वो बरीरा के जो है चाहता था कि बरीरा उसका निकाह बाकी रखे, उसको छोड़कर ना जाए। ये तो जज्बाती मोहब्बत थी ना बरीरा से, है ना, जू के वो गुलामी में मियां बीवी थे तो ये जज्बाती मोहब्बत होती है ना मियां बीवी के बीच में भी, लेकिन राइट डायरेक्शन में होती है। तो वो रो रहे थे और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस कैफियत में पहुंचे। वो कहते मैं वहां खड़ा था और अल्लाह के रसूल ने कहा क्या बात है? तो कहा मुगीस ने फरमाया रजी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल बरीरा जो है मुझे छोड़ देना चाहती है। चूंकि देखिए मोहब्बत फितरत है और वो रो रहे थे अपने महबूब के लिए जिससे वो मोहब्बत करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, मैं जो है बरीरा से बात करता हूँ, है ना। इस्लाम ने फितरी ये जज्बाती मोहब्बत का सिरे से इनकार नहीं किया, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं उसको बोलता हूँ और आपने बरीरा को बुलाया, कहा बरीरा तुम देखती नहीं हो मुगीस का क्या हाल हो गया तुम्हारी मोहब्बत में, क्या तुम कंटिन्यू नहीं कर सकती उसके साथ अपना रिश्ता बाकी नहीं रख सकती हो आजादी के बाद भी? तो बरीरा के अल्लाह के रसूल ये आपका हुक्म है या मशवरा है पहले ये बताइए। तो कहा बरीरा ये मेरा मशवरा है। तो कहा मशवरा है तो मेरा मेरी इस पर ना है, हुक्म है तो मैं हाँ कहती हूँ। तो कहा नहीं मेरा मशवरा है। तो कहा फिर मैं मुगीस के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। और बरीरा ने उनका इनकार कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा, और इसके बारे में हदीस के अल्फाज आपने फरमाया और यूं कहा ए अब्बास क्या तुम्हें ताज्जुब नहीं कि मुगीस को बरीरा से किस कदर मोहब्बत है और बरीरा को मुगीस से किस कदर नफरत है? क्या ताज्जुब नहीं हो रहा तुमको? लेकिन इंसानी फितरत है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने बरीरा के जज्बात का भी मुकम्मल ख्याल रखा कि वो नहीं रहना चाहती तो नहीं रहना चाहती, लेकिन चूंकि दोनों दौरे जहालत में साथ थे, रसूलुल्लाह चाह रहे थे कि मुगीस इस इंतहा तक बरीरा से मोहब्बत करता है, इस इंतहा तक जज्बाती मोहब्बत और इश्क था उनको। ज़ाहिर सी बात है वो बीवी थी उनकी, लेकिन गुलामी में जब गुलाम आजाद होते हैं तो उनको इख्तियार होता रखने का। अब चूंकि इख्तियार मिल गया था तो बरीरा ने उस निकाह को तोड़ दिया। अल्लाह के रसूल खुद वसीला बने इस जज्बाती मोहब्बत के लिए। तो जज्बाती मोहब्बत की इस्लाम में हैसियत है, लेकिन कब? जब वो राइट डायरेक्शन में हो। चूंकि मुगीस और बरीरा साथ रह चुके थे, सही बात तो ये होती कि दोनों साथ रहे, चूंकि मुगीस उसके बगैर नहीं रह पा रहे थे, उसकी मोहब्बत में पागल थे एक तरह से। और हर आदमी होता है, कौन नहीं होता जिससे इंसान को मोहब्बत होती है? वालिदैन से मोहब्बत होती है, उनके जाने का उसे गम होता है, रिश्तेदारों से मोहब्बत होती है, और बीवी से मोहब्बत तो बे इंतहा इंसान को होती है, इसलिए कि उससे फितरी मोहब्बत के साथ साथ जिस्मानी मोहब्बत भी होती है इंसान को। तो बरीरा से वही मोहब्बत थी मुगीस को। इस्लाम ने वो मोहब्बत को जो जज्बाती होती है यकसर इनकार नहीं किया, लेकिन राइट डायरेक्शन में होना ये उसके लिए कंडीशन और जो है शर्त है, याद रखिए, ठीक। लेकिन आज हमारे समाज में जो होता है वो चेहरे का इश्क है, वो जज्बाती मोहब्बत जो रॉन्ग डायरेक्शन में होती है, देखिए ये बात बहुत ज्यादा जो है गलत है, ठीक। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जज्बाती मोहब्बत को जो हकीकत को समझा और समझते हुए सही रुख दिया कि मुगीस और बरीरा का मामला जो है दुरुस्त हो जाए, लेकिन उसके बाद ही बरीरा ने उस चीज का जो इनकार कर दिया। अब अक्सर ये देखा